सॉरी, हम इतने नीचे से आ रहे हैं और पीछे हमारी तरफ पूरा जो जगह है वो दिखाता हूँ आपको। गहराई देखिए आप, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम पहुंच रहे हैं सरकुंडा देवी मंदिर। मंदिर के ऊपर से पहाड़ों से जो इतने गजब गजब नजारे हमें मिले हो, हम आपको सब दिखाएंगे। नज़ारे इतने अच्छे थे कि आपने ऐसे नज़ारे कभी कभी अपने लाइफ में नहीं देखे होंगे, तो सब आपको देखने मिलेंगे। मंदिर के बारे में हिस्ट्री भी बताएंगे कि कितना ऐतिहासिक और कितना पौराणिक मंदिर है, कितनी अच्छी जगह है, वो सब आप देखेंगे। अभी हम पहुंच गए हैं सरकुंडा देवी मंदिर, जो आप पीछे देख पा रहे हैं मेरे, इतने ऊपर ऊंचाई पे है वो, ऊपर इतनी ऊंचाई। अभी मैं फ्रंट कैमरा में शूट कर रहा हूँ तो शायद आपको ऊंचाई पता नहीं चल रही होगी। शोभित, जरा शोभित से भी पूछ लेता हूँ उसके बारे में, ये मंदिर कितना ऊंचाई पे लग रहा है? मंदिर यहाँ जो लोकल्स बता रहे हैं वो 1.5 किलोमीटर बता रहे हैं। हाँ, बट मेरा अंदाजा है कि 1.5 किलोमीटर से ऊपर होगा। हाँ, और हमें लगभग चढ़ने में इन्होंने बताया कि आधा घंटा लगेगा। हाँ, बट मैं 1.5 घंटा मान के चल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हमें उस चीज़ की आदत नहीं है। हाँ, जो चीज़ मतलब ये चढ़ने वाले हैं, ये पहाड़ी लोग हैं, इनकी हैबिट अलग होती है, हमारी हैबिट अलग है, तो मैं उसको नहीं कर सकता डिफरेंशिएट। तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि हम यहाँ से 12 बजे तक उतर पाएंगे। तो वो रहा ऊपर मंदिर, इतना ऊपर हमें आज चढ़ाई करनी है, देखते कितना टाइम लगेगा। नीचे यहाँ से हम चढ़ाई करके इतना ऊपर आ चुके हैं, तो चलते हैं ऊपर। चल तो सरकुंडा मंदिर के ऊपर पहुँचते हुए हम, तो बताता हूँ कि हमने शुरुआत कहाँ से करी थी। जो आप नीचे होटल देख रहे, सॉरी ढाबा टाइप देख रहे हैं, हमने वहाँ से शुरुआत करी थी। तो इतना ऊपर हम आ चुके हैं, तो नज़ारा देखिए आप, नज़ारा क्या गजब का नज़ारा है यहाँ। इतने ऊपर चढ़ाई करके अभी हमें, मेरे ख्याल से ये जो जगह है ये इधर इधर पहुँचना है। इधर सांस फूल रही है, लेकिन पक्का रास्ता होते हुए थोड़ा थक थक के पहुँच ही जाएंगे लग रहा है। तो मिलते हैं ऊपर। सॉरी, हम इतने नीचे से आ रहे हैं और पीछे हमारी तरफ पूरा जो जगह है वो दिखाता हूँ आपको। गहराई देखिए आप, तो ये ऊपर का व्यू है, कितना मज़ेदार व्यू है, शानदार व्यू देखिए आप, पीछे पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। ह्यूमन जब कैसा लग रहा है? बहुत ज़बरदस्त। और अभी मैं इससे पीछे से दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आपको रेस दिख रही हो पीछे मेरे एकदम, तो ऐसा लग रहा है कि एकदम यहाँ पे पीछे जो आपको, अगर मेरे पीछे अगर आपको रेस दिख रही हो, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान शिव खुद अपने जो देवलोक है उनको आशीर्वाद दे रहे हो। इतनी अच्छी रेस गिर रही हैं, बर्ड्स की चिरपिंग अगर आपको थोड़ी बहुत भी सुनाई दे रही हो तो बहुत, मतलब बहुत ही इतना अद्भुत नज़ारा, और सुनने में बर्ड्स की चिरपिंग में इतना मज़ा आ रहा है कि जो भक्ति वाला माहौल है ये उसको और बढ़ा रहा है। क्यों पंजम, क्या कहना है आपका? हाँ बिल्कुल सही, यहाँ ऐसा नज़ारा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था, और इतने पहाड़ों के बीच में हमने इतना मुश्किल से आए, तो और कैसे कैसे है वो भी आपको हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो अभी हम सरकुंडा देवी पर चढ़ रहे हैं, तो रास्ते में ही है, तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो हम उसको आपको दिखा दें। इंटरेस्टिंग चीज़ जरूर बतानी चाहिए जैसा पंचम ने कहा। तो अभी चलते हैं सरकुंडा देवी मंदिर की ओर, आगे कुछ भी इंटरेस्टिंग होगा जरूर आपको दिखाया जाएगा। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं ऊपर, और नज़ारा देखिए आप, यहाँ की सनराइज देखिए, क्या गजब का नज़ारा है। चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद बादल, सूरज की किरणें, और आपने घंटी की आवाज़ सुनी होगी मंदिर से, और ये लास्ट 2 सीढ़ी बची हैं बस, जैसे तैसे चढ़ते हम पहुंच चुके हैं। ये ऊपर मंदिर है, ये आप देख पा रहे हैं, बस पहुंच गए सक्सेसफुली। हालांकि मैं नीचे थोड़ा हिम्मत हार गया था,
चढ़ने के लिए, तो फिर भी 5-6 बार बैठते बैठते मैं चढ़ चुका हूँ ऊपर। बस दो सीढ़ी पार करते आपको ऊपर मिलता हूँ। तो अभी हम सरकुंडा देवी मंदिर के अंदर ही चढ़ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर। आपको मैं थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ, यहाँ का व्यू कैसे, थोड़ा सांस मेरी फूल गई है। नज़ारा देखिए, अपनी नज़ारा देखिए, तो ये है मेन मंदिर। अरे खेलने खा लेंगे, चोट ना पहुंचाओ। ये है मंदिर, ये है मंदिर सरकुंडा देवी मंदिर। उधर बर्फ पड़ी हुई है, उस साइड बर्फ पड़ी हुई है। तो मैं आपको कुछ यहाँ के नज़ारे भी दिखा देता हूँ। मंदिर की पूरी खैर ना, आपकी भी आ गई, अच्छी बात। कोई नहीं, मैं नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं, मंदिर में तो भक्त रहते हैं। अभी दोनों की भक्तों को हटा दो, फोटो खींच लो। ये देखिए बर्फ भी गिरी हुई है, तो भक्त आप नहीं खड़े हो, जा दूर मत जाना भक्त। ये मंदिर तो चलिए कोशिश करता हूँ कि अंदर भी हम चल पाए। माता दी जय माँ सरकंडा। भक्तों ऐसा है, ये माँ भगवती का मंदिर जो है बहुत हजारों वर्ष पुराना है, सतयुग का है। जो भी भक्त यहाँ पे आता है माँ सरकंडा के दरबार में सच्चे मन से, उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ माँ सती जी का सिर गिरा था, जिसका नाम श्रीकूट पर्वत है। कभी राजा दक्ष ने यज्ञ किया था कनखल हरिद्वार में, जहाँ से जो है माँ पार्वती ने शंकर जी से जिद की अपने पति से कि मुझे मायके जाना है। जब शंकर जी के बार बार मना करने पे माँ पार्वती गई, वहाँ पे देखा कि सारे देवतागण बुलाए गए हैं और उनके पति का अपमान हो रहा है। उसी समय वो यज्ञ कुंड में कूद गई थी और अपने पिता का यज्ञ भंग करते हुए शंकर जी की जब तीसरी नेत्र खुली, यानी इसीलिए उनको त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, जब तीसरी नेत्र खुली देखा उनकी पत्नी जो है यज्ञ में स्वाह हो गई है, तभी वो अपने गुस्से में जो है अपने त्रिशूल तांडव में लेके सारे पर्वतों में उत्तराखंड के चारों धामों में घूमे थे, तो सबसे पहले जो है उनका धड़ इसी स्थान पर गिरा है। इस मंदिर का भव्य निर्माण अभी 2013-14 में किया गया है, जो उसका गर्भगृह है वो नहीं तोड़ा गया है। ये जो पिंडी आपको दिख रही है पिंडी स्वरूप, ये माँ भगवती सुरकन्या का सिर जो है ये स्वयंभू है। इसके अगल बगल में अष्टभुजाएं हैं, इनका सुबह पूजा पाठ नित्य होता है, चंडी पाठ होता है और माँ भगवती सबकी मनोकामना पूरी करती है। जय माता। तो ये वो सरकुंडा माता देवी का मंदिर है। देखिए मंदिर की सुंदरता, मंदिर की भव्यता, किस हिसाब से मंदिर बनाया गया है यहाँ पे इतनी हाइट पे। मैं आपको साइड से व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे माता का सिर है और ये अभी मंदिर का नव निर्माण अभी हुआ है और मंदिर के गर्भगृह को तोड़ा नहीं गया, ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, चारों ओर का व्यू है ये। तो अभी आपने पंडित जी से मंदिर का इतिहास सुना, सुन के बहुत अच्छा लगा। कुछ एक इतिहास उन्होंने और बताया, जब हम अंदर गर्भगृह में गए थे, अंदर जाके वीडियो बनाना तो मना था, तो हम अंदर वीडियो तो नहीं बना पाए। तो उन्होंने एक चीज़ और बताई, यहाँ जो है डेली रात को एक शेर भी मंदिर की परिक्रमा करके डेली जाता है, माता के आशीर्वाद लेके जाता है, उन्होंने बताया।
आज तक उसे कोई देख नहीं पाया है, कभी कभी उसके सबूत मिले हैं। तो ऊपर आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आपको ऐसे और दर्शन करने हो, वीडियो आपको हमारा पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और हम और भी जगह एक्सप्लोर करें और आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग जगह पे। चलिए मिलते हैं अगली बार।